Welcome to Public Demand! Assalamu alaikum, प्यारे बच्चों. Waalaikum assalam. अम्मी जान कहा करती थी, कोई इलेक्शन शफाफ नहीं होता और धांधली के बगैर कोई इलेक्शन नहीं होता. अरे वाह, अम्मी जान तो बड़ी अवेयर थी पॉलिटिकली. हैं? आखिर धांधली हुई है अम्मा का केंखा और तुम्हारी अम्मी भी JUI से थी. बस बंद करो, हमारी अम्मी का कौन सी इबरतनाक शिकस्त हुई थी. अच्छी बात है. तो अगर बेनेगल ने पहली दफा देखा है क्या कि एक पैरेलल पार्टी ने हाई बजट पार्टी से ज्यादा बढ़तरी ले ली. पॉलिटिकल सटायर. ए नाकाम शादियों के फिल्मी डायरेक्टर, जब स्क्रिप्ट अच्छा ना हो ना तो हाई बजट पार्टियां भी पिट जाती हैं. और जिस फिल्म में खान हो वो फिल्म तो बिजनेस करती है ना. हम आके चौधरी मोहसिन. हाँ जी. चौधरी बुलंद बख्त आजकल नगर नगर जाके ऐसे टैलेंट ढूंढ रहा है. हाँ. जैसे पिछले इलेक्शनों में जहांगीर तरीन जाद लेकर आजाद उम्मीदवार ढूंढ रहा था. लेकिन वो तो सियासत से दस्तबरदार नहीं हो गए. भाई मैं इस शोबिज से दस्तबरदार नहीं हुआ. ओके. इस बात का तुम्हें आज अंदाजा होगा जब चौधरी तुम्हारी गेस्ट को ले उड़ेगा. अरे मेरी गेस्ट कोई वसीम कादिर थोड़ी है जिन्हें आप ले उड़ेंगे. भाई जितना इसका वजन है उड़ेगा नहीं. फिर ये वहां डूबेगा. कहां? जहां टाइटैनिक डूबा था. मोहब्बत का टाइटैनिक चाहे डूब जाए. हाँ. लेकिन मैं चौधरी डिकैप्रियो की तरह विंसलेट की तस्वीर तो बनाऊंगा ना. ज्यादा चौधरी तो कैट विंसलेटा जफे. सिर्फ जफे नहीं है. हाँ. जादू के जफे, चिराग जफे, बल्कि पाकिस्तान जफे. मोहसिन मैंने सुना कि आज तुमने कोई बहुत ही खूबसूरत हसीना बुलवाई है, तभी तो रोमांस का बादशाह यहाँ मौजूद है. तो फिर खोलो ग्लैमर का लॉकर. हाँ. और उठाओ हुस्न की दुकान का शटर. यो शटर. तो खवातीनो हजरात, आज का पब्लिक डिमांड देखकर आपको ऐसा गुमान होगा कि जैसे आज का शो परिस्तान में हो रहा है. क्योंकि आज जो अप्सरा तशरीफ ला रही हैं वो पूरे पाकिस्तान की. ए जाने जहां ये कोई तुम सा है के तुम हो. लेडीज एंड जेंटलमैन, तशरीफ लाती हैं नवाल सईद. Assalamualaikum. Waalaikum assalam. Welcome to Public Demand. Thank you so. Good much. to see you. Good to see you too. इत्तेफाक ऐसा है कि आज ही के दिन हम आज से करीब 3 साल पहले Facebook ने मुझे दिखाई मेमोरी. अच्छा. हम exactly वो प्ले कर रहे थे साथ में और आज के दिन आप मेरे शो पे खड़ी. अच्छा, यही दिन था. क्या हसीन इत्तेफाक है. Wow. मेरे ख्याल में ये कैलेंडर में से ये दिन आज निकाल ही दो. काहे? लाइमलाइट में जो भी हसीना आएगी ना उसका सबसे पहले तारुफ रोमांस के बादशाह SRK से होना चाहिए. नवाज जी, आज पब्लिक डिमांड में आपका कॉमेडी रिमांड होगा. अपना मुकदमा खुद लड़ेंगी या फिर शेख अफजल मरवत साहब को सुपारी दें आपकी. ताकि प्रोग्राम तो बढ़ जाए. आप लड़ने मेरे ख्याल में खुद. मैं यही सोच रही हूँ, कोशिश करती हूँ. वैसे तो बहुत सी सियासी पार्टीज ने जो गरीब तबका है चौधरी साहब जैसा उनके लिए 300 फ्री बिजली के यूनिट्स जो हैं उनका ऐलान कर दिया. तो इस चांद चेहरा और इन सितारा आंखों के लिए किसी ने फ्री यूनिट्स का ऐलान नहीं किया अब तक. नहीं. बिजली का बिल खुद दे रही है जी. आई मां सबके जाए तक तो खुद ही. अब हो सट. हां, ओए हो सट के नाखून लो. ओके. और छोटी पैटी बातें मत करो. पैटी? नवाल कहे तो मैं इसके नाम तरबेला डायन कर दूं. अरे वाह, इस बात से तुम डैम फुल लगे हो. खुद इसके नाम तरबेला डैम कर दोगे, खुद कचरे से बिजली बनाओगे. वाह, किधर डैम दो ही बच्चा लग गए. नवाल जी, जहन पर जोर डालकर बताइए कि आखिरी बार गैस पे पका हुआ पराठा कब खाया था. ये अलमिये सारी आज आपसे पूछने में. वैसे गैस का बड़ा इशू है लेकिन थक जाएंगी. ये कोई एक वो है, कोई गैस सकर एक वो मशीन. हाँ, जी, 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 जी. वो आई थिंक वो सभी यूज कर रहे हैं अब तो. हमारे घर में भी वही. लेकिन अगर सब यूज कर रहे हैं तो फिर आ किसके पास रही है. उसकी गैस वो खींच रहा है, उसकी वो खींच रहा है, तो आ किसके पास रही है फिर. बस पाकिस्तान में खेचम तानी लगी हुई है बस.
वैसे ये बात ऑनर बताने वाली थी नहीं। आपने मामा चीन लगवाई। हाँ, आप छापा पड़ेगा। अच्छा, उसकी वजह से छापा पड़ता है। जी। नॉन रोमांटिक होस्ट, अगर नवाल जी किमाड़ी और लियारी की तरफ मुंह करके ना हल्का सा मुस्कुराए तो वहां से गैस के जखायर निकल आए। वाह वाह वाह, इससे मुझे वो वैसे याद आ गया, बंदर रोड से केमाड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी। ए, खबरदार, घोड़ा का वो गधा है। अच्छा, ओ सॉरी सॉरी। ये हैट और ये सूट एंड द कलर कॉम्बिनेशन लुक्स वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। मुझे पता था आप आज ग्रीन पहनने वाली हैं। अच्छा, एक मिनट, मैं जरा चड्डा बनियान पहन के आ जाऊं। सर के खड़ा है, तारीफ उधर ही हो रही है। क्यों जल जल के मर जाएंगे आप एक दिन? इनको देख के गाना याद आ रहा है। कौन सा? तेरे नवाल 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 वे मेरणा। वाह 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 वाह। मैं तेरे हण दी दुनिया धाण दी तू ही मेरा गहना। गाना तो सही करो। क्यों? कैसे? तेरे नवाल 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 वे मेरणा, मैं तेरे हण दी दुनिया जान दी तू ही मेरी बहना। अच्छा, वैसे जो गैस का जिक्र हो रहा था उस पर जरा संजीदगी से अगर मैं बात करना चाहूं तो ये जो सेरामिक्स के गैस चोर हैं और ये सियासी रिश्वतें देकर जो हमने जगह जगह पे सीएनजी स्टेशंस लगाए थे, अगर ये ना होता तो गैस यकीनन इस मुल्क में पूरी हो जाती। चश्मे नम मुस्कुराती रही रात पर। क्या बात है, क्या बात है। आपकी याद आती रही रात पर। अरे नवाल जी, आपके इस बेदाग हुस्न के नाम मैंने कुछ माहिये लिखे हैं, आपकी इजाजत हो तो पेश करूं। बिल्कुल। ओ सजना दीद होवे, हाय सजना दीद होवे, भाई हर शै सोनी लगदी है जिथे नवाले सईद होवे, हाय जिथे नवाले सईद होवे। भाई कोई टूटी फ्रूटी ये, हाय कोई टूटी फ्रूटी ये, भाई कहंदे जिनू संगे मर मर है, है ऐसी ब्यूटी है, है ऐसी ब्यूटी है। भाई कोई बोतल जंबो है, कोई बोतल जंबोए, भाई हुसन ते टैलेंट दा है, ए रेयर कॉम्बोए, है ए रेयर कॉम्बोए। कैसा लगा? सो मच, आज रात मुझे नींद नहीं आ रही। तारीफ आपने कर दी है ना। नहीं, आपके शायान शान अभी भी नहीं थे ये। मुझे पर्सनली लगता है कि तारीफ तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन आपने जो गा के तारीफ की है, एंड आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ म्यूजिकल बैकग्राउंड, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस इन दिस शो एंड ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। नवाज जी, इससे पहले के लोगों को ये गुमान होने लगे कि आप PSL के फ्री पास बांट रही हैं, आइए बैठते हैं। प्लीज जल्दी नवाज सही आ गया, प्लीज आइए। थैंक यू, थैंक यू। सो पहला नवाल ये है मेरा सवाल ये है, मैं मेसमराइज्ड हो गया हूं, सॉरी। पहला सवाल ये है कि डैडी की तरफ से इतनी सपोर्ट तो आलिया भट्ट को भी नहीं मिली जितनी आपको मिली है, तो क्या आपकी जिंदगी में सिर्फ एक करण जौहर की कमी है? बट मुझे लगता है कि मेरे फादर जो करना चाहते थे वो नहीं कर सके हमारी वजह से, कि वी वर स्टडीइंग, उनका शौक म्यूजिक ही था। जी जी, बिल्कुल। तो मुझे लगता है आई एम लिविंग हिज लाइफ, मैं उनकी जिंदगी जी रही हूँ, तो जब वो मुझे देखते हैं तो खुश होते हैं। चूंकि वालिद मोहतरम का म्यूजिक से काफी शगफ था आपके, तो अब अगर आप उनका ये वाला ड्रीम भी पूरा कर दें, गायकी वाला भी, यू नो एक्टर कम सिंगर, क्योंकि जैसे अली जफर साहब हैं, मैं भी थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, आयुष्मान खुराना है सरहद पर, आप तो थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा गाते हो और काफी अच्छा गाते हो, यू सिंग वेरी वेल, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। तो अगर आप वो भी कर गुजरे तो क्या ही अच्छा हो। मैं जब तक सीखूंगी नहीं, मुझे नहीं लगता मैं गाऊंगी, क्योंकि इट्स
मेरे फादर भी कहते हैं आर्ट की डिसरिस्पेक्ट है, ऐसे ही नहीं जा गया। हाँ। मुझे याद है मैं नापा जाती थी गिटार सीखने। अरे क्या बात है। तो एक दफा मेरा गिटार जो हमारे दरवाजे से लगा तो ही गॉट वेरी एंग्री। तो उन्होंने कहा ये इसकी इज्जत नहीं करोगी तो ये तुम्हारी कभी इज्जत नहीं करेगा। तो उनका थॉट प्रोसेस ऐसा है। मैं कचहरी मोहसिन, हाँ जी, जैसे चौधरी नवाज जी का गिटार दीवार से टकराया था ऐसे मेरा भी एक यूपीएस साज है। यूपीएस साज कौन सा? वड्डा वाजा। एक दफा चौधरी वड्डा वाजा लेके मांगने निकले, किसी ने उस पानी पाता, फिर उन्होंने वाजा बजाया नहीं, लोगों को पानी पिलाया। पौधों को भी दे सकते थे। देखिए इससे पहले कि हम बहुत दूर निकल जाएं इस बात से, मैं चाहता हूं कि हम यहां तक तो आ ही गए हैं और अब प्रोफेशनली तो पता नहीं कब गाएंगी, लेकिन इस प्रोग्राम में ये मौका मैं नहीं जाने देना। कुछ थोड़ा बहुत मैं आपका साथ दूंगा। वाह वाह क्या डॉक्यूमेंट बनने वाला है। चोरी नवाज साहब नगमा सरा होने लगी। हाँ हाँ हाँ। बुलाऊं कैसे वो पल जो मेरे बिन है तू बिता चुका, मिटाऊं कैसे वो आंसू तेरी याद में बहा चुका, मर में जाऊं फना हो जाऊं कहीं में जाके डूब जाऊं, नजर मिलाऊं तो ये चाहूं। आई डोंट आप लगाए को से पी जाऊं। परफेक्ट परफेक्ट। एक बार बहुत अच्छा गाया आपने। एक्चुअली इसी नोट पर मुझे शक था लेकिन आपने वही सबसे अच्छा गाया। वेरी नाइस, बहुत आला। मैं कचहरी नवाज साहब फरहान के गाने को गा के आपने मोहब्बत का एंथम बना दिया और अब ये गाना तुम्हारे 40 रुपए रिलीज होगा चौधरी। हाँ जी, हर स्टॉप पे बजेगा ये गाना। गलत हो रहा है आपके साथ। जब आप मेरे साथ हैं मुझे जमाने की परवाह नहीं है। बस सही है, तुम्हारी बेटियां तो हमेशा बाप को सपोर्ट करती हैं। नवाज जी जाने जहां में आपके इर्द गिर्द बड़े सुपरसोनिक किस्म के बड़े इंटेंस एक्टर्स हैं, हमजाली अब्बासी हैं, सवेरा जी हैं, हारिस हैं, वो आपको टफ टाइम दे रहे हैं या आप सरदारी साहब की तरह चिल कर रही हैं? बिल्कुल नहीं, वैसे कोई भी टफ टाइम तो नहीं दे रहा। अच्छा चौधरी मोहसिन, असल जाने जहां तो चौधरी नवाज जी हैं और आयदा खान ने तो इनके मैंडेट पर कब्जा किया हुआ है, और जैसे आउन चौधरी ने सलमान अकरम राजा के मैंडेट पर कब्जा किया हुआ है। क्यों नवाज, आप अग्री करती हैं यानी आपके साथ ये साजिश हुई है या फिर चौधरी साहब एमी बिलावज अब मान लो हेजली फफे कुटन बने हुए हैं? मुझे लग रहा है ज्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो कैरेक्टर वैसे शुरू से ही आयजा का था, लेकिन मैंने ये किया था कासिम की वजह से। अच्छा। कासिम अली मुरीद इज द डायरेक्टर ऑफ जाने जहां और वो मेरे दोस्त हैं। अक्सर नफसी से ये काम ले रही हैं, मेरी तरह ये भी डाउन टू अर्थ है। वो तो डाउन टू अर्थ है ना, आप जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ से अर्थ डाउन हो जाती है। अरे ये तो जहाँ बैठता है ना गवर्नमेंट वो जमीन इसके नाम कर देती है। क्यों? उठा नहीं जाता मनुष्य से। आप डाउन टू अर्थ हो रहे हैं, आप डाउन टू ग्रेव क्यों नहीं हो जाते? सच्ची मोहब्बत के दुश्मन होस्ट, जाने जहाँ में जब तबरेज बगैर काम किए 2 महीने का चेक नवाल को देने की कोशिश करता है तो मेरा दिल करता है कि उसकी ब्लैक मनी उसके मुंह पे दे मारूं और फिर नवाल को ब्लैंक चेक पेश करूं। हाय हाय हाय। कांसी के किंग खान, तुम तो नवाल के दादा से भी 2 सदियां बड़े हो, मैं तो इनका हम उम्र हूं। ले अच्छा रियली? और मेरी ECG रिपोर्ट तो पढ़े, मैं 1 सदी से बैठा हूं। हाय हाय। इस राह से कोई गुजरा नहीं। आप यहाँ चौधरी, आप यहाँ बैठे रहिए, अभी थोड़ा देर बाद एक ट्रक गुजरेगा। वैसे नवाज आपको नहीं लगता कि पब्लिक डिमांड में ये बुजुर्ग आशिकान जो हैं ये मोहब्बत की सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं आपके खिलाफ? एज इज जस्ट अ नंबर, ये दिल जवान होना चाहिए। नब्जें काट लेंगे ये सब अपनी। ये जुमला नवाज जी ने ICU वार्ड के लिए कहा है और इस मोहब्बत वार्ड में तो ये दाखिल हो चुकी है। कलर भी हमने सेम पहना, देखा नहीं आप? अरे वाह, दादा पोती लग रहे हो दोनों। ए, बुरी बात दादा नहीं हा? पर दादा। वैसे रियल लाइफ में आपको ऐसे जबरे फैन मिलते हैं? कभी कभार। हाँ, कभी कभार। किस हद तक गया कोई फैन आज? मुझे याद है एक दफा मैं एक मॉल गई थी और उनको
कोई एक फैमिली थी और वो उनको लगा कि कोई आई डोंट नो उनको जैसे वो टीवी पे देखते हैं तो उनको लगता है कि भाई कोई एलियनेटेड लोग होंगे और कुछ अलग होंगे स्पेशल होंगे जबकि ऐसा नहीं है. तो उन्होंने कोई पांच लोग थे उन्होंने अपने हाथ पकड़ के सर्कल बनाया एंड दे डिडंट लेट मी गो मेरे इर्द गिर्द एंड दे वर जस्ट लुकिंग और बात भी नहीं कोई कर रहे थे बस वैसे मुझे हाँ तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगा क्योंकि मतलब अनयूजुअल होता है. इस मौके पे अम्मा कहाँ थी? मैं आप सबको बताता चलूं कि हम लोग भी जब साथ शूट कर रहे थे तो वालिदा मोहतरमा जो है वो इनको लेने आती हैं. वो आपसे ज्यादा हसीन है मुझे याद है इसलिए मुझे भूल नहीं. अच्छा इनको वालिदा लेने आती हैं? जी जी इनको बदरुए लेने आती हैं. तमन्नाडो रथकनो का कैदी नंबर 804 खिदमत होई चौथी बार फाड़ 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 तमन्नाडो तमन्नाडो लोगों में लुटी गई शिकी द डंग बजिया तड़के नैन कुआरे कूका तड़के नैन कुआरे कूका पैन गिया तड़के नैन कुआरे कूका पैन गिया तमिलनाडो ओ नाडो तमिलनाडो ओ डाडो तमिलनाडो ओ नाडो तमिलनाडो ओ डाडो. अरे वाह वाह टेक्निकलर टेक्निकलर टेक्निकलर. आप जो कुछ गाते हैं आपको खुद को भी समझ आती है? क्योंकि हमें तो नहीं आती. लवे मौला आप फिर आ गए यहाँ. प्रिया अंकुर मंकुरो राजा मूली गाजर आलू ले टींडे ले तड़िये ले टमाटर ले टोए आंदे डिग पेंदे एल. मुझे एक बात बताएं इधर आए उनको भी करीब से दिखाऊं आपको ताकि उनका भी तड़ा निकले. बहुत अच्छा डांस किया. थैंक यू. अच्छा इतना गुरूर आ गया तेरे के अंदर. थैंक यू. आराम से कह थैंक यू. बहुत शुक्रिया. एक नया आइडिया आया है. Really? उसके लिए मैं नया टैलेंट ढूंढ रहा हूँ. तो आप नवाल जी को ढूंढते हुए यहाँ आए हैं? एब्सोल्युटली यस. तो गोया आप आज सदका देकर नहीं आई ने? ये यही आ गया लेने. अच्छा ही आ गए. मुझे आरफ हमीद भट्टी और अजरा जहान ने बताया है कि नवाल को तमिल फिल्में बहुत पसंद हैं. नवाल ही पैदा नहीं होता. तो मैं इन्हें कास्ट करने चला आया. क्या बकवास है कि इनको कास्ट करने आया? भाई ये कहो मैं इनके घर का काम करने आया, सफाई करने, कास्ट करने आया? एक कौन है जिन्हें सिर के काट के फ्लूटर रखे? आपको सच में तमिल फिल्में पसंद है? कुछ मुझे पसंद है. प्रिया बैग बांध लो, दो रोटियां अचार और गंडा साथ ले. क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हम आज रात की फ्लाइट से चेन्नई जा रहे हैं. और इसकी फ्लाइट का नाम क्या है? क्या उड़ा इश्तियारा. आप जो फिल्म बना रहे हैं नवाल जी के साथ जी, उसमें कोई गाना भी तो होगा? बिल्कुल. कौन सा कौन सा कौन सा? ताकी रे ताकी रे ताकी 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 रे जब से तू आंखों में जाके. ताकी रे ताकी रे ताकी 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 रे जब से तू आंखों में जाके. आपस में लड़ गए ताक दिन अब क्या रह गया बाकी बाकी बाकी. ताकी रे ताकी रे ताकी 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 रे जब से तू आंखों में जाके. Welcome back to Public Remand. चल रहा है नवाल सईद साहिबा का कॉमेडी रिमांड. नवाल जी जाने जहां की कहानी के मुताबिक तबरेज यानी हारिस जो किरदार प्ले कर रहे हैं वो आपकी इद्दत पूरी नहीं हो रहे दे रहे और आपको अपनी गारमेंट फैक्ट्री में खुफिया खातूने अव्वल बनाने पर तुले हुए हैं. तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि तबरेज को भी इद्दत ना पूरी होने देने पर 7 साल की सजा होगी? That was a very political question. I don't want to answer this. अभी तो लोग देख रहे हैं. और ये इंस्पायर्ड भी नहीं है ना असली कहानी से किसी? ये नहीं. अरे मोहब्बत की कमीशन एजेंट हो सकते. हाँ जी. और तुम मोहब्बत की सुनामी की इद्दत और मुद्दत को कूदे में बंद करना चाहते हो? इतना मुश्किल जुमला कह ही दिया तुमने. और यार यकीन करो नवाल अगर साथ हो अडियाला तो क्या गुआंतानामो बे भी इस कैदी को बुर्ज खलीफा का प्रेसिडेंट
स्वीट लगेगा। क्या खूबसूरत टोन दी है। मैं इनको अपनी फिल्म अंडर वाटर में कास्ट कर रहा हूँ। अंडर वाटर में 5 मिनट की फिल्म होगी फिर वो। बस आपने सांस रोक के रखी है 5 मिनट तक और फिल्म इनका रोल बड़ा जबरदस्त। 5 मिनट के बाद हीरो फूल के बाहर आ जाएगा। और कितना फूलेगा यार ये। वैसे बॉयज मैं नोट करूं कि आज आप तमाम लोगों के डायलॉग्स में बड़ी शिद्दत है, मेहमान की वजह से है या खलीलुर रहमान कमर साहब रात को आप लोगों के यहाँ मार कर लेके आ गए थे अपने। अरे सिर्फ खलीलुर रहमान कमर ही नहीं, नवाल की आमद की खुशी में नासर अदीब साहब को भी सिग्नलों के डंडे पहुंचा दिए गए। और अब इस डायलॉग के प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल राइट्स हमारे पास हैं। किस डायलॉग के? प्लीज नवाल जी इन सब के सामने कह दो, वे चौधरी मैं तेरी पक्की पक्की मशहूर हूं। उन्होंने कॉफी डोल देनी तेरे मुंह से। पहले आप कहें नवाल आया सोनिया। चौधरी जे तेरे ते जिम्मेदारी पाई गई है ते लौंदा क्यों नहीं। लो भाई चलो लाइट ते मैं तारीख कैम करन लगा जी। नवाल आइए सोनिए। आए ओए चौधरी कमाल करते हैं यार। अब आप भी प्लीज मेरे लिए। हाँ कह दे इसकी आखिरी ख्वाहिश है शाम को 4 बजे इसको फांसी है। वे चौधरी मैं तेरी पक्की पक्की बहना। ओ नहीं 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 आपने ये नहीं कहना, गुनाह होता है। आपने वो डायलॉग बोलने जो फिल्म वाला डायलॉग वो गुनाह होता है, ये सवाब। नाराज हो गए चौधरी साहब मुझे लगता है। कोई बात नहीं, इसको भी जूता सुखाएंगे ठीक हो जाएगा ये। नवाल जी जहां तक मुझे पता है एक्ट्रेस आप बनना नहीं चाहती थी, आप गायक बनना चाहती थी, है ना? तो एक्टिंग तक का सफर कैसे तय किया आपने फिर? मेरे फादर ने कहा मुझे और मेरे छोटे भाई को, अच्छा, कि एक एड एजेंसी है वहां पे जाके ऑडिशन। ओके तो हम दोनों ने ऑडिशन दिया और वो उसका कुछ नहीं बना और आई स्टार्टेड गेटिंग वर्क। तो उसके कुछ नहीं बना। हाँ जबकि मेरी तो वो मैं बैडमिंटन और थ्रो बॉल खेलती थी उस वक्त। आई वाज अ टॉम बॉय, बहुत इज अ गुड लुकिंग चैप। माशाल्लाह तो उसका कुछ नहीं हुआ, मुझे कॉल्स आती नहीं। बहुत कम अरसे में माशाल्लाह से आपने बहुत नाम कमा लिया, बहुत मशहूर हो गई आप, लेकिन फिर भी लोग बैक स्टोरी जानना चाहते हैं, बहुत से लोग बेखबर हैं इस बात से। कहाँ पैदा हुई, किस फैमिली से ताल्लुक है, कैसे यहाँ तक पहुँची? मेरी फैमिली में तो कोई भी इंडस्ट्री में या फॉर्म्स ऑफ आर्ट में कुछ में नहीं है। मेरे फादर का पहला स्टेप था म्यूजिक की तरफ। अच्छा अच्छा। मेरे दादा बू को दादी मी को नहीं पसंद था तो वो अपने उन्होंने एक हारमोनियम लिया और वो छुपा के अपने घर में रखा हुआ था उन्होंने। तो फिर वो सीखा भी उन्होंने लेकिन हम बिकॉज वी वर स्टडीइंग। शोबिज में और क्रिकेट में भी एक्चुअली देखा गया है कि बहुत से लोग जो है अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं। आप मुकम्मल कर पाई उसको? नहीं मैंने कंप्लीट नहीं की है। आई स्टॉप्ड आफ्टर ए लेवल्स और मुझे जबकि बाहर स्कॉलरशिप भी मिल रही थी लेकिन मेरे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। तो इंशाल्लाह जब मुझे टाइम मिलता है प्रॉपर तो फिर मैं बाहर जाके आई विल कंप्लीट। ये सबसे अच्छा मैसेज है कि आपने जो अधूरी पढ़ाई थी उसको मुकम्मल करेंगी आप। जी 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 परफेक्ट। नवाल जी मैं भी अपनी एजुकेशन मुकम्मल नहीं कर पाया। गोंगलियोलॉजी में तो मैंने अपना एम फिल कर लिया था। गोंगलियोलॉजी बहुत अच्छा। फिर क्या हुआ चौधरी साहब? फिर 8वीं में मेरी कंपार्टमेंट आ गई। एम फिल से सीधा कंपार्ट 8वीं में। चौधरी नवाल, चौधरी बुलंद बख्त आज ऐलान करता है कि चौधरी नवाल बिला मुकाबला मिस पाकिस्तान हो चुकी हैं। वाह वाह चौधरी कमाल हैं। अरे वाह चौधरी, जब भी करना छोटी बात करना। हा? क्यों? नवाल मिस पाकिस्तान नहीं बल्कि सरकारी और हतमी तौर पर मिस यूनिवर्स हो चुकी हैं। अरे वाह कमाल, ताली ठोको। इसी तारीख की मौका पर हम नवाल जी से आधी दर्जन फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। डॉक्टर बैनिगल बताओ फिल्में। फिल्म का नाम हुआ हम दिल दे चुके नवाल। कोई पहले प्रोग्रेसिव फिल्म अनाउंस करो। ओके आ गई रोटी कपड़ा और नवाल। <आगा। laughs>
क्या बात है। मुझे यार नवाल को लेके एक फिल्म बनाओ जिसका नाम हो दिलवाले नवाल ले जाएंगे। अपनी शक्ल देख किंग खान, नवाल के साथ मैं हीरो आऊंगा और फिल्म का नाम होगा क्या? द लेजेंड ऑफ नवाल। ओके, आप पर भी फिल्म बना रहा हूं। कौन सी? नवाल का प्यारा पेट। चौधरी तुम्हारा बस चले ना तो तुम ये नारे भी तब्दील कर दो। कैसे? पाकिस्तान को बहरानों से नवाल दो। ओहो सच मियां। हां जी। मैंने अपनी और नवाल की मोहब्बत का मेरा मतलब कि प्रोडक्शन हाउस का एक ओएसटी बनाया है। इजाजत हो तो पेश करूं? जी प्लीज। इजाजत है? बिल्कुल। आओ नवाल तुमको फसानों में ले चलूं, बिजली हो सस्ती ऐसे जमानों में ले चलूं। आओ नवाल तुमको फसानों में ले चलूं, बिजली हो सस्ती ऐसे जमानों में ले चलूं। आओ नवाल आओ। आप गौर कर रही हैं कि ये जीव जो है कितना जोर लगा रहा है आपको मुतासर करने के लिए? काफी ज्यादा है ना। आप क्या कहना चाहेंगे इनकी मरकत पे खड़े होकर? अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे। जैसे जन्नत का ही जिक्र किया है इन्होंने, जो हर चीज ही परफेक्ट थी, तो पानी भी था और बिजली। ऐसा हो सकता है आपको लगता है? जन्नत तो बहुत बड़ा वेन्यू है। हाँ, मैं आपके लिए एवरनी स्टूडियो में स्वर्ग का सेट लगवा दूंगा। क्या अच्छी बात की है तूने नर्क के चौकीदार। ये कौन है साइलेंस फिल्मों का हीरो? ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया। आ ले जाएंगे। चुप चुप। फिर भाग आया आप मंडप से। अरे क्या पूछते हो नसवारी 007। जो चेहरा मुझे ख्वाबों में तंग किया करता था वो आज मुझे मिल गया, मिल गया। हमको साथी मिल गया। मिल गया कि नहीं? इनसे है कौन? कुड़ियां दे दिल शादी तो खट्टा करना। अरे ये कौन है अफसरा के साथ कट्टा बांधा हुआ? आज मेरा ख्वाब शर्मिंदाए ताबीर हो गया है। आपका ख्वाब तो शर्मिंदाए ताबीर हो जाएगा नौशा भैया, मैं उनके सामने शर्मिंदा हो रहा हूँ फिलहाल। नवाल आप फिक्र मत करें, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। हाँ, और
तबरेज का तो मैं वो हल करूंगा जो आबद शेर अली और राणा सनाउल्ला का फैसलाबाद वालों ने किया है। फैसलाबाद वाले खुद यहाँ पहुंच चुके हैं, तबरेज से पहले तो हम तेरा वो हाल करेंगे। ओके सो नवाल जी, अब आपके चाहने वाले आपके मद्दाह आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी प्लीज, पहला सवाल किसका है? अस्सलाम वालेकुम नवाल। वालेकुम सलाम। मेरा नाम आयतुल ताहिर है और मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी कि विकिपीडिया पे आपका सन पैदाइश 1992 भी है और 1998 भी, तो आपका हतमी और सरकारी सन पैदाइश क्या है? हतमी और सरकारी? देखिए आप हमें असली मत बताएं, बस ये बता दें कि ये दोनों सही हैं या इनमें से कोई एक सही है। एक सही है, 1998 वो लोग मानते नहीं लेकिन लेकिन 1998 में। मखबा जी, आप इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं कि चौधरी नवाज जी कब पैदा हुई हैं? क्या आपने इनकी बर्थडे पे ख्वाजा सरा भेजने हैं? किसी बहाने तुमने इसके घर जाना है? जी अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वर्दा इफ्तिखार है और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप गिटार बजाना सीख रही थी, आपने अपने नाखूनों की कुर्बानी नहीं दी और गिटार बजाना छोड़ दिया, आपने तबला बजाना क्यों नहीं सीखा? एक ऐसा सवाल है जी, प्लीज बताइए। नाखूनों की कुर्बानी उस वक्त तक तो दी 6 महीने तक जब तक मैं सीख रही थी, लेकिन उसके बाद जब प्रैक्टिस छूट गई तो फिर मैंने दोबारा बड़े कर लिए। जी अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा आपसे क्वेश्चन था, लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, जिसके लंदन में फ्लैट हो या जिसके सोलर सिस्टम अपना हो? सियासत में लिपटा हुआ सवाल। सोलर सिस्टम या लंदन में फ्लैट्स? इंसान अच्छा होना चाहिए, सोलर सिस्टम हो या लंदन में फ्लैट हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। गुड, बिल्कुल ठीक। जी अगला सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुदा अरशद है, मेरा सवाल नवाल से है, अगर आपको डॉलरों में मुआवजा दिया जाए और कहा जाए कि चाहत फतेह अली खान के साथ गाना गाना है, तो आप एडवांस वापस करेंगी या उसके साथ गाना गाएंगी? मुझे लगता है मैं गा दूंगी। कौड़ा कोट पी लेंगी कुड़िए? अरे आराम से गाएंगी, बहुत आराम से गाएंगी, चाहत का मुंह ही इतना बड़ा, उस पर बैठ के गा लेंगी। चाहत के साथ गाएं, क्या जिंदगी से इतना दिल खट्टा हो गया? मेरा नाम है और मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने सुना है कि मलाइका अरोड़ा की तरह आप भी ज्यादातर वक्त जिम में गुजारते हैं, तो क्या ये बात सच है? मेरे ख्याल में मलाइका भी वहीं होती तभी इसका ज्यादा वक्त वहीं गुजरता है। जी बिल्कुल, और मुझे भी कैमरामैन पीछे से आवाज लगाते हैं, मलाइका जी मलाइका जी, बस मेरी वॉक वैसी नहीं है। हौसल जी, जिम में कोई एक्सरसाइज भी करते हो या सिर्फ तौलिये ही तकसीम करते हो? मेरे ख्याल में डंबल की मालिश करता होगा हम। मेरा नाम लाइबा है और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपने गाने गाते भी खुद हैं, कंपोज भी खुद करते हैं, लिखते भी खुद हैं, लेकिन खाते कुछ भी नहीं, तो इतना ज़्यादा पैसे लेके कहाँ जाएंगे? अच्छा सवाल है। लेकिन मैं वो सारे पैसे अपने कपड़ों पे लगा देता हूँ एक्चुअली, और आपको पता है ये जिम का जो सामान है ना ये बहुत महंगा आता है, ये डाइट वाइट करना आसान नहीं है, तो मैं सारा उस पे लगा के खुश हो लेता हूँ। आखिर इतने पैसे बचा कर क्या करोगे बाजी? देखो जिमें FBI की चुई होती है। और चौधरी देखो IMF का गेंडा होता है। ये मैंने आपका बदला लिया हूँ। हाँ बहुत आला पे, ये अच्छा। जी अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना शौकत है और मैं एक शेर सुनाना चाहती हूँ। सिर्फ इस शौक में पूछी हैं हजारों बातें, सिर्फ इस शौक में पूछी हैं हजारों बातें, मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्न बयां तक देखूं। वाह। और शायर का नाम भी मुझे याद आ गया, अहमद नदीम कासमी साहब का ये शेर है और मेरा पसंदीदा शेर है। आप घर का एड्रेस भी याद रखें, कोई मसला नहीं है। नवाल जी, अब मैं आपको कुछ चॉइसेस दूंगा और आपको हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम बेहतर और बहुत बेहतर में से चुनेंगे। तो मैं दो नाम लूंगा, माहिरा खान या सबा कमर। माहिरा मुझे वैसे ही पसंद है एज अ पर्सन आल्सो। ओके। आयजा खान या सज्जल अली। सज्जल। दुर्रे फिशा या यमुना जैदी। यमुना। फहद मुस्तफा या हुमायूं सईद। दोनों के ड्रामे करें। ये भी नहीं कि वो को एक्टर्स हैं भाई, वो प्रोड्यूसर्स हैं दोनों। अब मुश्किल है वाकई। हुमायूं भाई आई लाइक। हुमायूं भाई? या फहद भाई, मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल परेशान। हमजा अब्बासी या बहाज अली। हमजा। ओके।
अहमद अली अकबर या मुहिब मिर्जा? अहमद अली अकबर। ठीक, कासिम अली मुरीद या सैयद वजाहत हुसैन? कासिम। ओके, वो आपके दोस्त हैं, बिल्कुल ठीक है। कराची की बिरयानी या लाहौर का टकाटक? बिरयानी कराची की। मोंटी कार्लो या फिर बुर्ज खलीफा? बुर्ज खलीफा। लदू तेनू बुर्ज खलीफा, हो मेरा बुर्ज खलीफा, ओ तेरा बुर्ज खलीफा, मेरा तेरा दोनों का बुर्ज खलीफा। ये पाकिस्तान है क्या? तेरा पाकिस्तान है ये और मोहसिन कह रहा है ले दो तुझे बुर्ज खलीफा, 3 साल से नई जूती नहीं ली मनुष ने। भाई जो तू खानी तो मैं नवी ले लेना। दीपिका का बेशरम रंग या नूरा फातिही का जेड़ा नशा? जेड़ा नशा। जेड़ा नशा, sing it with me, जेड़ा नशा, नशा तेरी अखां विचों आवे मैनू। I can't hear you. जेड़ा नशा, नशा तेरी अखां विचों आवे मैनू, मैं वेखिया बड़ा ना ओ लखां विचों आवे मैनू, दिल दे नेड़े रहंदी तू मेरे, दिल दे नेड़े रहंदी तू मेरे, दिल बस चावे मैनू। जेड़ा नशा, नशा तेरी अखां विचों आवे मैनू, मैं वेखिया बड़ा ना ओ लखां विचों आवे मैनू, दिल दे नेड़े रहंदी तू मेरे, दिल दे नेड़े रहंदी ए मेरे, दिल बस चावे मैनू, दिल बस चावे मैनू, मैनू 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 मैनू। और सुनिया, नवाल कब से आए हैं? आपने इनके हुस्न की शान में कुछ शेर नहीं कहा। अगर हम आपकी जगह होते तो इनकी सिर्फ जुल्फों पे लंबी गजल कह डालते। तो डोगर साहब, आप कौन सा आजहानी हो चुके हैं आज हमारी जगह पे? अरे शोखी मत करो, मैंने तो रस्मन कहा था। अच्छा। अब जल्दी से मशहूर जमाना अहमद फराज साहब की वो गजल छेड़ दो ना भाई। वाह वाह वाह, रस्में दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। चौधरी साहब जहमत करेंगे आप जरा? जी आइए। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। अब उसके शहर में ठहरें के कूच कर जाएं, फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं। सुना है चौधरी पे बहुत कर्जा है, आए हैं तुम जरा गली में आओ तो मैं पिटते हुए देखते हैं। बहुत करीब से देख लिया नवाल को, चलो दूर से चुधरानी को देखते हैं। वाह वाह, दिल फिर उमट आया शादी करने को, अच्छा चलो बरादरे निस्बति बना के देखते हैं। वैसे तो एक भाई है मेरा, आज आप चारों को बना कर देखते हैं। वाह 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 वाह, आप लोग पाया पूरे शो का मुझे। वो मुड़ गए, मैं निकल रहा हूँ बम्बई की तरफ। आप सब लोगों को बड़ी समझ आई है। नवाब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपको इतने अरसे बाद देखकर भी, इसी बहाने मुलाकात भी हुई आपसे। और अब जाते जाते हमारा एक आखिरी सेगमेंट है, उसके लिए हम आपको जहमत देंगे, यहाँ तशरीफ लाना होगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। ऐसे भोले बन कर बैठे जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात नहीं, क्या है कुछ भी नहीं है मगर होंठों पे है
खामोशी मगर बातें कर रही है, बातें कर रही है, नजर चुपके चुपके, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। बहुत शुक्रिया मासिर, तुमने आखिर में मेरे ही फिल्म का गाना सुनाया। आपके बगैर रोमांस मुकम्मल नहीं होता ना किंग खान, और हैप्पी रोस्टिंग के बगैर हमारा शो मुकम्मल नहीं होता। तो अब नवाल जी, जाते जाते एक एक जुमला हम सबके शायाने शान, जो भी आपके दिमाग में पहला आए वो अता कीजिए। दूल्हे राजा से शुरू करते हैं। मुझे लगता है दूल्हे राजा को अब थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, शादी के बारे में ना सोचें तो अच्छा है। ओके, वेरी नाइस, परफेक्ट। आओ मेरे दोस्त, अल्लाह रखा पेप्सी। जो मुझे लगता है कि जो चेन्नई की फ्लाइट ज्यादा कैंसिल होती हैं वो इन्हीं की वजह से होती है। अगली बार ये जवाब वसीम साहब की। मुझे आपका ये अटायर बड़ा अच्छा लगा, ये जो आपने चमकता हुआ है ना, हाँ, और ये जो ऑरेंज कलर का नियॉन, मुझे लगता है आप रात में भी अंधेरे में भी नजर आता है। अगली बारी है शकील सिद्दीकी साहब उर्फ एसआरके रणछोड़ लाइन। मैं तो वैसे किंग खान की बड़ी फैन हूँ, और आपकी तो पर्सनली भी हूँ, और मेरे फादर भी आपको बड़ा पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, ये तो होगी तारीफ, रोस्ट भी करें। मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद आप हमें अब म्यूजियम में ही नजर आएंगे। आखिरी दफा मैं आपसे मिली लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। और चौधरी साहब के लिए मैं कहूँगी कि मुझे लगता है आपको थोड़ा सा कोई 200 किलो तो कम करना ही चाहिए, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हो गया, 200 किलो बस। इनके बारे में कुछ जी प्लीज़। मोहसिन के लिए तो मेरे पास सिर्फ तारीफें हैं, और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं जो हमने एक प्रोजेक्ट किया था, एक उसमें हमारा फर्स्ट डे काम था, एंड मोहसिन वाज ऑफ कोर्स मोर एक्सपीरियंस देन आई वाज, लेकिन बहुत कंफर्ट दिया, और पहली दफ़ा मैं अगर किसी के साथ काम करूं और पहला एक्सपीरियंस अच्छा जाए तो मुझे कभी भूलता नहीं है। तो मोहसिन के लिए तो मेरे पास सिर्फ तारीफ है, बुराई नहीं है। ये तो हो गई तारीफ, वो जिसके काबिल था, आप तारीफ के काबिल है, वो कर दिया आपने, रोस्ट करें। वैसे रेडियो जॉकी तो आप थे जी, आज आप किसी पोनी हॉर्स के जॉकी लग रहे हैं। Yeah!